मथुरा में सरकारी तंत्र के तमाम प्रयासों के बाद भी खाद की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को जिला कृषि अधिकारी ने छाता पहुंचकर 400 रुपये डीएपी महंगा बेच रहे दुकानदार पर शिकंजा कसते हुए न केवल दुकान को सील कर दिया बल्कि दुकानदार के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। बता दें, जिला कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह को सूचना मिली कि छाता में डीएपी की एक बोरी 1200 के बजाय 1600 रुपये में बेची जा रही है। छापे के वक्त एक कर्मचारी किसान बनकर डीएपी लेने दुकान पर पहुंचा, जहां दुकानदार ने 1600 रुपये में डीएपी बेचता मिला। वहीं जिला कृषि अधिकारी ने न केवल 400 रुपये में डीएपी के बैग सहित दुकान को सील कर दिया बल्कि दुकानदार के खिलाफ रिपोर्ट भी कराई है। कृषि अधिकारी ने बताया कि जो भी दुकानदार कालाबाजारी कर रहे हैं उनकी सूचना यदि उन्हें मिलेगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उसके पश्चात मैं अपने यहाँ पे मेरा फार्म है बगल में, वहाँ से मैं एक अपने कर्मचारी को किसान बनाकर भेजा और वो 1600 रुपये में डीएपी उसको दिया गया और उसको मैंने चार नोट दिए थे। उसके नंबर मुझे मेरे पास थे, मैंने मोबाइल में पहले खींच लिए थे। उस नोट का मैंने यहाँ पे मिलान किया और मुझे नोट भी यहाँ पे मिला। इस आधार पे मैं जिला कृषि अधिकारी होने के नाते और इस उर्वरक प्रवर्तन अधिकारी भी मैं हूँ, उस कारण इनको ओवर रेटिंग के केस में FIR इनके विरुद्ध कराई जाएगी आज शाम को। जिला अधिकारी महोदय के क्या नाम है? तो इनका लक्ष्मी चंद नाम है। लगभग कितने आपने जो छापेमारी की, कितने कट्टे हैं अंदर जो आपने? यहाँ पे लगभग 100 बैग DAP के हैं यहाँ पे, जो हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अंदर आपने घर में भी देखा तो घर में बीज है।